हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेट है। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं, देखते हैं पहले डिवीजन पढ़ते हैं, सेट का क्या मतलब होता है। तो सेट क्या है पर इसके बारे में समझो। ये कहता ये है कि एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। बेटा यहाँ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? वो ऑब्जेक्ट्स नंबर्स हो सकते हैं, कोई अंग्रेजी के लेटर्स हो सकते हैं, ठीक है, एनी थिंग्स हो सकते हैं, मतलब जो भी आप समझो किसी भी चीज़ का कलेक्शंस होता है, ठीक है। कलेक्शंस ऑफ नंबर्स, कलेक्शंस ऑफ फ्लावर, कलेक्शंस ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेट कहेंगे। जैसे कि कहा जा रहा है कि एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट, द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर। हाँ, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे यानी जो ऑब्जेक्ट होंगे उस सेट के मेंबर कहलाते हैं, ठीक है। अभी इसको विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले कुछ जानो कि इसको हम सेट नहीं कहेंगे। द फॉलोइंग कलेक्शन आर नॉट वेल डिफाइंड। कौन कौन? जैसे हम कहें ऑल गुड क्रिकेटर प्लेयर्स ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल में मान लीजिए 11 प्लेयर की टीम बनी हुई है, क्रिकेट की टीम में या फुटबॉल की टीम बनी हुई है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि किसी के लिए बहुत बेस्ट प्लेयर का चुना हुआ हो, किसी के लिए एवरेज हो, ठीक है। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि जो जो गुड क्रिकेटर हैं या कोई भी गुड प्लेयर की हम बात कर रहे हैं किसी सिलेक्शन टीम में, हाँ, वो सबके लिए बेहतर हो, ठीक है, सबके लिए अच्छा हो। किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए कुछ ना कुछ कमी दिखेगा, यानी ये तुम्हारा सेट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 11 प्लेयर को हम चूज किए हुए हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो रमेश, सुरेश, महेश, ब्रजेश, ठीक है, एंड सो ऑन, 11 प्लेयर हो गए। अब किसी को लगता है कि महेश जो है अच्छा बैट्समैन नहीं है, ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए तब तो ये सेट बढ़िया नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्यों? क्योंकि ये जो गुड क्रिकेटर है वो सभी के लिए प्रॉपर सही होना चाहिए, लेकिन किसी के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, किसी के लिए एवरेज टीम का सिलेक्शन हुआ है, इस वजह से सेट नहीं है। सेट क्या होना चाहिए ना, वेल डिफाइंड होना चाहिए, सबके लिए एक समान होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही देखो ऑल सिटीज, ऑल बिग सिटीज ऑफ इंडिया, भारत के जितने भी बड़े शहर है, ठीक है। अब ये बताओ बड़ा शहर भारत के कौन है? जैसे मान लो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, ठीक है, पुणे है, लखनऊ है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, दिल्ली है, ये क्या है? शहर है, बड़े बड़े शहर हैं। तो हम बड़ा किसके हिसाब से कर रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार कर रहे हैं कि सुविधा के अनुसार, कि जनसंख्या के अनुसार, ये हम कर नहीं पा रहे, ठीक है। इस वजह से ये भी जो है सेट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये डिफाइन ही नहीं हो पा रहा है कि जितने भी सिटी, जैसे मान लो हम किसी को कहते हैं कि इंदौर को हटा देते हैं, तो हो सकता है बाद में कुछ दिन बाद इंदौर भी आ जाए, बड़े शहर में शुमार हो जाए, तो क्या करोगे? इट मीन दैट कि ये जो हमारा सेट है परमानेंटली सही नहीं है, ठीक है। जो सेट को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, डिजाइन करेंगे ना, और ईच एंड एवरी वन के लिए वो एक जैसा बिहेवियर करेगा, एक जैसा होगा, एक समान होगा। ऐसे ऑल लवली फ्लावर्स, जितने भी लवली फ्लावर्स हैं, अच्छे अच्छे फ्लावर्स, उनका कलेक्शन है, ये भी अच्छा नहीं है। जैसे मान लो किसी को किसी फूल के सुगंध से उसको एलर्जी है, बेटा, तो उसके लिए तो बेकार होगा, हो सकता है किसी के लिए वो अच्छा हो, ठीक है। इस वजह से फ्लावर्स का जो कलेक्शन होता है ना, ये भी तुम्हारा सेट के रूप में नहीं है। तो सेट के रूप में होगा क्या, देखो बताते हैं। जैसे पहली बार सेट को समझो कैसे लिखते हैं। सेट को लिखने के दो मेथड होते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ज्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं ये डिफिनेशन पे, कब सेट होगा कब सेट नहीं होगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जानते जाओगे कि किसको हम सेट कर सकते हैं, किसको सेट नहीं कर सकते, ठीक है। देखो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं, एक मेथड है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, पहली बार सेट को लिखते कैसे? सेट को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले उसका नेमिंग करते हैं। मान लो कोई सेट एन है या ए है चाहे बी है, यानी अंग्रेजी में जो अल्फाबेट होते हैं 26, उसी में से किसी एक को हम चूज करते हैं और ब्लॉक लेटर में लिखते हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे मान लो ए बराबर कर दिया, ठीक है, उसके बाद हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं और कर्ली ब्रेस बनाते हैं, और जो एलिमेंट्स होंगे वो लिखेंगे इसके अंदर, लेकिन रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन नॉट अलाउ, मतलब एक ही चीज को बार बार नहीं लिखेंगे, वन टाइम लिखेंगे, और हर एलिमेंट के बीच में सेपरेटर होगा, यानी कॉमा होगा। जैसे मान लो 3, 6, 7, 9, ठीक है ना, ये होता है सेट फॉर्म। तो दो तरह के फॉर्म होते हैं, एक रोस्टर फॉर्म होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में हम बेसिकली ना जैसे नंबर्स के रूप में लिखते हैं, उसमें एलिमेंट्स आप सब दिखेंगे आपको। जैसे जिसे हम कहें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये कैसे लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में,
पहले तो नेचुरल नंबर का नोटेशन एन होता है, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड जो है इनफाइनाइट सेट होता है, कभी खत्म ही नहीं होगा। वैसे ही बताओ सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर इसका जो नोटेशन है डब्लू है, और ये जीरो से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 एंड जो है, ठीक है। ये सबके सब किस फॉर्म में लिख रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। वैसे ही मान लो सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, देखो ये कैसे लिखते हैं, सेट ऑफ इंटीजर 0, 1, 2, 3 एंड सो वन, इधर आ जाओ -1, -2 एंड सो वन, मतलब माइनस इंफिनिटी अप टू -3, -2, -1 0, 1, 2, 3 और एक मोच कर दो, ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होगा, इनफाइनाइट सेट है। हम ऐसे समझे ए नंबर या ए नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर लेस देन 10, इसको कैसे सेट फॉर्म रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, मान लो ये ए इसका नाम दे दो ए, तो एक नेचुरल नंबर हो जो लेस देन 10 हो, तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लास्ट एलिमेंट क्या होगा, 9 होगा। इस तरह से हम लिखते हैं, किसको, रोस्टर फॉर्म को लिखते हैं, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया होगा रोस्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं। अब आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, बेटा देखो सेट बिल्डर फॉर्म को ना हम वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे अब सेट बिल्डर फॉर्म देख लो, सेट बिल्डर फॉर्म जैसे मान लो एक सेट ए है, हम पहले डिफाइन कर दे रहे हैं कि एक नेचुरल नंबर है, सेट ए में क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, और जो लेस देन 10 है, लेस देन 10 है, इसको हम कैसे लिखते हैं बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ए इक्वल टू वह एक्स आएगा सेट ए में, इसको बोलते हैं सच दैट, जहां एक्स की जो वैल्यू होगी वो 10 से कम होगी, और ए एक्स किसका मेंबर होगा, नेचुरल नंबर का मेंबर होगा। तुम ऐसे लिख सकते हो बेटा, कुछ नोटेशन जानो, ठीक है, तभी समझ पाओगे। सेट के कुछ नोटेशन यूज होते हैं बार बार, जैसे ये डबल डॉट ऐसे हम बनाएंगे तो सच दैट, इसको बोलते हैं ऐसे बी बना कट मारना, दैट इज सेट टू बी फॉर एवरी, या कभी कभी इसको फॉर ऑल भी कह देते हैं हम लोग, हैं ऐसे बना करके करते हैं, दैट इज सेट टू बी बिलोंग्स टू, ये सब नोटेशन सीख लो अभी, इसको ऐसे बना के कट मार दूं, दैट इज सेट टू बी डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, और भी क्या ऐसे लिखते हो, दैट इज सेट टू बी दिस इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज, और अगर तुम दोनों तरफ बनाते हो, दैट इज सेट टू बी इफ एंड ओनली इफ, इसे कहते हैं इफ, आई डबल एफ कहते हैं लेकिन पढ़ते हैं इसको है इफ एंड ओनली इफ। कुछ और नोटेशन याद कर लो, एक नोटेशन ऐसे आता है उल्टा ई बनाता है, दैट इज सेट टू बी, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, ठीक है। ये सब नोटेशन हम यूज करेंगे, इसको तो आप जानते हो, दैट इज सेट टू बी फाई, इसको क्या बोलते हैं फाई, पी एच आई होता है कि पी एच आई साइन होता है, देख लेना स्पेनिश की, दैट इज सेट टू बी फाई, नल सेट के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे। बेटा ये सब जो है ना सेट में बार बार यूज होने वाले नोटेशन है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करो, रोस्टर फॉर्म तो साफ साफ दिखेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में प्रैक्टिस करो, रोस्टर फॉर्म में कोई टेंशन नहीं है, आपको साफ साफ दिखेगा रोस्टर फॉर्म में क्या, बस रोस्टर फॉर्म में क्या होंगे ना, सेट के अंदर आपको साफ साफ एलिमेंट दिख जाएंगे, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में वेरिएबल के फॉर्म में लिखा जाता है किसी भी सेट को। बच्चों आपके लिए एक्सरसाइज से पहला क्वेश्चन लिया जा रहा है, एक्सरसाइज 5.1 है, इसको पहले समझते हैं। क्वेश्चन है इफ ए इक्वल टू सेट ए इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11 देन राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड इफ अ स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू मेंशन व्हाई। बेटा आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट हमने लिखा है 6 स्टेटमेंट है, कौन सा ट्रू है कौन सा ट्रू नहीं है, अगर जो ट्रू नहीं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना है। देखो बेटा आप पहले समझो क्या इसका मतलब है, सेट ए में पहले एलिमेंट्स को जरा ध्यान से देखो, 3 भी है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, तो मैंने बताया था बेटा कि जो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको एलिमेंट्स भी कर सकते हैं, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, तो तुम कर सकते हो कि 3 belongs to A, 5 belongs to A, 3 belongs to A, 5 belongs to A, 7 belongs to A, 9 belongs to A, 11 belongs to A, ये सब बोल सकते हो तुम लोग, इसका ऐसे बोल सकते हैं 3 जी मेंबर ऑफ A,
फाइव इज मेंबर ऑफ ए, सेवन इज मेंबर ऑफ ए, नाइन इज मेंबर ऑफ ए, इलेवन इज मेंबर ऑफ ए, तुम ऐसे ही बोल सकते हो थ्री एंड फाइव, थ्री कॉमा फाइव आल्सो मेंबर ऑफ ए, या थ्री फाइव सेवन आल्सो मेंबर ऑफ ए, थ्री फाइव नाइन आल्सो मेंबर ऑफ ए, सेवन नाइन इलेवन आल्सो मेंबर ऑफ ए, मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होता है, लेकिन तुम इसको ऐसे नहीं लिख पाओगे थ्री फाइव इज नॉट मेंबर ऑफ ए। बेटा ये जब इसको ब्रेस बना दोगे ना, ये सेट हो जाता है, और सेट सेट को एलिमेंट नहीं होता बल्कि सबसेट होता है। तब सबसेट क्या है इसे पढ़ोगे अगले बार, ठीक है। तो फिलहाल इसको समझो, जैसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं, ये टू है कि फास्ट कर समझते हैं, थ्री बिलोंग्स टू ए, देखो थ्री बिलोंग्स टू ए, क्या ट्रू स्टेटमेंट, ये ट्रू है, हम लिख दे रहे हैं ट्रू, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड देखो, फाइव नाइन बिलोंग्स टू ए, देखो फाइव इसके अंदर है जी, फाइव भी है और नाइन भी है, फाइव नाइन बिलोंग्स टू ए, ये भी ट्रू है, लेकिन अगर हम गलती से ये लिख देते हैं फाइव नाइन कर्ली ब्रेस के साथ, तब तो भाई गलत हो जाता है, तब तो ये गलत हो जाता है, ये रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है, अब इसको हम एलिमेंट नहीं कहेंगे, फाइव नाइन इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, इन सच कंडीशन फाइव नाइन कर्ली ब्रेस इट इज सेट टू बी सेट, और सेट जो है सेट को नहीं रखता है, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। अब क्यों सेट सेट को नहीं रखता है, रीजन है वो सबसेट होता है। तो पढ़ोगे, चलो थर्ड पे आते हैं, एट डज नॉट बिलोंग्स टू ए, पहले चेक करो एट डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्या इसके अंदर एट है, बिल्कुल नहीं है, तो सही बात है, एट एट इज नॉट ए मेंबर ऑफ ए, या एट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, एट सेट ए का सदस्य नहीं है, देखो बिल्कुल नहीं है, यानी ये भी ट्रू है। अगर गलती से यहाँ पे अगर मान लो हम ये लिख देते हैं एट बिलोंग्स टू ए, तब तो यहाँ फॉल्स लिखना पड़ता, चूंकि ये गलत है, लेकिन नॉट लिखा है यानी ट्रू है, नॉट तो है लेकिन ट्रू है इसमें, क्योंकि एट इज नॉट मेंबर ऑफ ए, क्योंकि इस सेट ए में एट है ही नहीं। चलो अब आते हैं फोर पे, नाइन इज नॉट मेंबर ऑफ ए, चेक करो नाइन इसके अंदर तो आ रहा है, ये तो फॉल्स है। अब एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं ना, सिंस नाइन इज द मेंबर ऑफ सेट ए, जैसा कि हम देख रहे हैं बेटा कि नाइन जो है हमारे सेट ए का मेंबर है, ठीक है ना, ये तो फॉल्स, यही एक्सप्लेनेशन देंगे। चलो फिफ्थ पे आओ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो, ये ऐसे लिखे हैं, इसका क्या मतलब है बेटा, देखो ये ना ये सिंगल्टन सेट थ्री है, इसके अंदर थ्री है, ध्यान देना थ्री बिलोंग्स टू ए, ट्रू है कि फॉल्स है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर थ्री बिलोंग्स टू ए तो है ही भैया, ये थ्री नहीं है, ये सेट थ्री है, सेट है, कोई सेट बिलोंग्स टू सेट है, जैसे इसका नाम दे दो बी, तो बी सेट बिलोंग्स टू, ये फॉल्स है बेटा, तो कहेंगे ये फॉल्स है, क्यों क्यों, क्योंकि ये जो है एक सेट है, ये सेट है, ठीक है, ये एलिमेंट नहीं है, इट इज ए सेट, यानी सिंगलटन ये जो दिखे हो सेट है, इस वजह से फॉल्स है। हाँ अगर ये ब्रेस नहीं रहता, सिर्फ थ्री रहता तो कहते ये एलिमेंट थ्री बिलोंग्स टू ए, ठीक है, तो ये फॉल्स है, क्यों, क्योंकि एलिमेंट नहीं है, इट इज नॉट, दिस इज ए सेट नॉट एन एलिमेंट, नॉट एन एलिमेंट और ऑब्जेक्ट जो भी लिखो, नॉट एन एलिमेंट, यही इसका रीजन होता है, क्योंकि ये जो कर्ली ब्रेस थ्री है ये एलिमेंट नहीं है बल्कि कोई सेट है, और सेट का नाम है सिंगलटन सेट, जिस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट रहता है उसे हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं, इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ऐसे देखो ये फाइव सेवन, ये भी गलत ही होगा, क्यों, क्योंकि फाइव सेवन कोई फाइव और सेवन तो इसके अंदर तो है, लेकिन बेटा ये है क्या, ये तो सेट है ना, और सेट के अंदर सेट जो है सेट ए के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, बिलोंग करेगा तो पावर सेट में करेगा, अब पावर सेट कैसा पढ़ने वाले हो आगे चल के, ठीक है। तो फिलहाल फिफ्थ सिक्स वाला भी वही कहानी उसकी हुई थी, सिक्स में भी क्या होगा, सिक्स की भी कहानी यही है कि फाइव सेवन ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं बिलोंग्स टू ए, ये भी फॉल्स है, मतलब स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो सही क्या है, सही ये होता कि ऐसे अगर लिखा होता तब तो ये ट्रू हो जाता, तब तो ये ट्रू जाता, लेकिन ये ऐसे लिखा है, लेकिन ये ऐसे लिखा है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, फॉल्स है, ये सब चीजें जानो, ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया, क्यों, क्योंकि ये जो फाइव ये जो है ना लिखे हैं ये कर्ली ब्रेस फाइव सेवन इज ए सेट, इज अ सेट, नॉट एन, नॉट एन एलिमेंट, ये रीजन है इसका, ठीक है बच्चों। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि दिए गए क्वेश्चंस में जितने भी छह क्वेश्चंस थे इसमें कुछ सेट के मेंबर थे, कुछ सेट के मेंबर नहीं थे, क्यों नहीं थे, मैंने इसको प्रॉपर वे में समझा दिया, समझने का प्रयास करिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर टू लेते हैं, कह रहे यूज द रोस्टर मेथड टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट,
जो पहला क्वेश्चन है द काउंटिंग नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ सिक्स। देखो बेटा पहला हम सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम कोई भी सेट उसका नेमिंग करते हैं, मान लो सेट ए है, इसको हम ना रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या है मल्टीपल ऑफ सिक्स हो और लेस देन 50 हो। काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर की हम बात कर रहे हैं, छह का मल्टीपल हो और 50 से कम हो। छह का मल्टीपल होता है 6 होता है 12 होता है, छह का टेबल पढ़ लो, पहला आएगा 6 देन 12, अच्छा अच्छा ऐड कर दीजिए, नेक्स्ट आएगा 18 24 30 36, देखो कहां तक जाना है 50 से कम, ये 42 फिर 48, अब आगे बढ़ोगे ना तो 50 से अप हो जाएगा, यानी बस इतना ही तक स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा पहले क्वेश्चन का क्या है तुम्हारा ये रोस्टर फॉर्म में दिए गए स्टेटमेंट का। ठीक है, अब आते हैं देखो सेकंड कह रहा है एक सेट एक्स है, मतलब सेट में एक्स आएगा और एक्स कैसे डिफाइन है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सेट बिल्डर फॉर्म है और जहां एक्स क्या है प्राइम फैक्टर 84 है। तो सुनो बेटा पहले रफ कर लो, जरा 84 का जरा प्राइम फैक्टर पहले निकाल लो, तो पहले 3 से डिजिट होगा, तो तुम देखो यहां पे जो प्राइम नंबर मिल रहे हैं दो बार दो आया है, 1 3 और 7 इंडिविजुअल की, अगर हम भले दो बार दो आए लेकिन लेंगे तो एक ही बार ना सेट में, तो 2 और 3 और 7 इसके क्या है प्राइम फैक्टर है। तो मान लो इस क्वेश्चन के लिए सेकंड क्वेश्चन के लिए हम सेट भी मान लेते हैं। ठीक है, तो इस इसमें ये जो इसमें इस सेट इस स्टेटमेंट के लिए जो रोस्टर फॉर्म तैयार होगा जो बनेगा कंस्ट्रक्ट होगा वो कैसे होगा, भैया फिलहाल एक्स नेचुरल नंबर होगा और एक्स नेचुरल नंबर होने के साथ साथ इस कंडीशन से ये है एक्स नेचुरल नंबर होगा, एक्स नेचुरल नंबर होने के साथ साथ इस कंडीशन को फुलफिल करेगा क्या एंड जो लगा, एंड मतलब है कि नेचुरल नंबर होने के साथ साथ ये भी है क्या है एक्स इज ए प्राइम फैक्टर 84। जैसा कि तुम देख 84 के प्राइम फैक्टर 2 है 3 है और 7 है, प्राइम फैक्टर की बात कर रहा फैक्टर की बात नहीं कर रहा, तो 2 3 7 है, तो सिर्फ यही तीन एलिमेंट होंगे 2 3 7, ये तुम्हारा दूसरे क्वेश्चन का समसंग। ठीक है बेटा, देखो पढ़ने का तरीका सिखा रहे हैं, इस स्टेटमेंट के लिए वह एक्स का कलेक्शन है उन एक्सों का कलेक्शन है जो एक्स नेचुरल नंबर होने के साथ साथ वह एक्स क्या हो प्राइम फैक्टर ऑफ 84 हो। जैसा कि तुम देख रहे हो 84 के जो प्राइम फैक्टर है 2 3 7 है और 2 3 7 सबके सब क्या है नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर होने के साथ साथ प्राइम फैक्टर है, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो रोस्टर फॉर्म में ये होगा और ये क्या है सेट बिल्डर फॉर्म है, इस सेट का सेट बिल्डर फॉर्म ये है। ठीक है, और रोस्टर फॉर्म ये है। चलिए दो क्वेश्चन तैयार हो गया, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड लिख दे रहे हैं, मान लेते हैं ये सेट सी है ए बी सी ले देते हैं सेट, यानी इस सेट में वो एक्स आएगा जिसके एक्स नेचुरल नंबर है और साथ ही साथ इस कंडीशन को फुलफिल करे, बट एक्स नेचुरल नंबर है और लेकिन नेचुरल नंबर होने के साथ साथ इस कंडीशन को फुलफिल करे, तो जैसे मान लो 1 की हम बात करते हैं x बराबर 1 लिया, जब तुम x 1 लोगे ना तो देखो ये क्या ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, पर चेक करो 4 × 1 = 4, 4 − 3 = 1, 1 < 15 आ गया भाई। अब आओ 2 पे 2 रखो 4 × 2 = 8, 8 − 3 = 5, 5 < 15 ये भी ट्रू है। अब आओ 3 पे x वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं 1 2 3 4 x रखते जाएंगे तब तक जब तक ये कंडीशन ट्रू होता जा रहा है, जो ही फॉल होगा जो ही स्टेटमेंट फॉल्स होगा वही रुक जाएंगे। चलो x वैल्यू 3 रखें 4 × 3 = 12, 12 − 3 = 9, 9 < 15 कंडीशन ट्रू है। अब 4 रखो 4 × 4 = 16, 16 − 3 = 13, 13 < 15 चलो ठीक है। अब 5 चलते चेक कर लो 4 × 5 = 20, 20 − 3 = 17, और बताओ 17 छोटा होता है क्या, ये तो गलत है ना, रुक जाओ इसको हटा दो। इसका ये मतलब है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए जो हमारा रोस्टर फॉर्म होगा दिए गए स्टेटमेंट का 1 2 3 4, देखो हम बता दे बेटा कि इस सेट में वह एक्स आएगा जो एक्स नेचुरल नंबर होने के साथ साथ इस इनइक्वालिटी को क्या करे सेटिस्फाई करे, जी हाँ इसको हम इनइक्वालिटी इक्वेशन करते हैं, इक्वेशन नहीं कहेंगे इनइक्वालिटी इक्वेशन, क्योंकि लेस देन लग गया है ना, लेस देन ग्रेटर देन जब भी लगे तो ऐसे इक्वेशन को इनइक्वालिटी इक्वेशन कहते हैं। ठीक, इस तरह से हमारा सी आएगा 1 2 3 4। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चलो मान लेते सेट डी है, डी में वो हमारा एक्स आएगा जो नेचुरल नंबर होने के साथ साथ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी एक्स स्क्वायर लेस देन 40। चलो चलो मान लो एक्स इक्वल टू 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 1 लेस देन 40 कंडीशन ट्रू,
अब टू रखो, क्या कर टू तब रखेंगे जब कंडीशन फुलफिल होगा। तो टू का स्क्वायर फोर, फोर लेस देन 40, कंडीशन टू है। दो के बाद तीन रखो, थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन लेस देन 40, कंडीशन टू, इसलिए थ्री रख रहे हैं। अब फोर रखो, फोर का स्क्वायर 16, 60 लेस देन 40, कंडीशन ट्रू, फोर रख सकते हैं। अब फाइव के लिए सोचो, फाइव का स्क्वायर 25, 25 लेस देन 40, अब सिक्स रखो, सिक्स का होल स्क्वायर 36, 36 लेस देन 40, अब सेवन रखो, सेवन का होल स्क्वायर 49, 49 लेस देन 40, गलत तो है, रुक जाओ, बस यही रहेगा। यानी चौथे में क्वेश्चन नंबर फोर के लिए हमारा जो सेंटीमीटर फॉर्म है, सॉरी हमारा जो रोस्टर फॉर्म है, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक बेटा, ये हो गया। अब आओ फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे। मान लो सेट ई है, सेट ई में वह इंटीजर एक्स आएगा जो इंटीजर होने के साथ साथ इस कंडीशन को फुलफिल करे। जैसा कि बेटा तुम जानते हो कि इंटीजर हमारा माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी चलता है। तो देखो एक्स में क्या आएगा, तुम जरा सोचो, एक्स स्क्वायर लेस देन 16 है, तो एक्स स्क्वायर लेस देन 16 अगर तुमने थोड़ा सा इस कंडीशन को पावर इनइक्वालिटी आपने पढ़ा होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, एक्चुअली अभी पढ़े तो नहीं हो, लेकिन अब एक्स की जो वैल्यू होगी ना माइनस फोर और प्लस फोर के बीच में लाइक करेगी। यानी माइनस फोर और प्लस फोर के बीच में क्या क्या इंटीजर होते हैं बच्चों, जरा नंबर लाइन बना समझ लो, यह माइनस फोर यह प्लस, इसके बीच में इंटीजर आएगा जीरो, इधर वन, इधर टू, इधर थ्री, फोर, इधर माइनस वन, इधर माइनस टू, माइनस थ्री। अर्थात मैं अच्छे से बना दिखा दे रहा हूँ, ये फोर है, ये माइनस फोर है, इधर कहीं बीच में जीरो, वन टू थ्री, वन टू थ्री, इधर आएगा माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन। यानी क्या क्या हो सकता है, माइनस थ्री हो सकता है, माइनस टू हो सकता है, माइनस हो सकता है, जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है। माइनस फोर और प्लस फोर हम लोग रख सकते हैं, नहीं रख सकते, क्योंकि माइनस फोर रखोगे 16 लेस देन 16 होगा, तो भाई इक्वल टू ऑपरेटर थोड़े है रखोगे। यानी क्या आएंगे, बस बस आएंगे ये माइनस थ्री आएगा, माइनस टू आएगा, माइनस वन आएगा, जीरो आएगा, वन आएगा, टू आएगा और थ्री आएगा। अब बहुत से बच्चे इसको इनइक्वालिटी को सॉल्व करना भी नहीं सीखेंगे, कोई दिक्कत तो मैं इसको बता दूंगा, अगला चैप्टर जो है लीनियर इनइक्वालिटी इक्वेशन वहां से सीखोगे, ठीक है। फिलहाल यही तुम्हारा सेट रोस्टर फॉर्म में दिए गए सेंटीमीटर फॉर्म का। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें द सेट ऑफ ऑल डिजिट्स इन आवर नंबर सिस्टम, बेटा इसको हमको भी रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो जो हमारे नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स होते हैं, जीरो से लेकर नाइन होते हैं, उनका जो कलेक्शन होगा जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड एट, नाइन, उसी कलेक्शन की बात कर रहा है। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, देखो देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्री में जितने लेटर हैं, देखो टी आया है, आर आया है, आई आया है, जी आया है, ओ आया है, एन है, एम, ई, वाई, इट मीन्स दैट कि हम लोग रिपीटेड को, जैसे मान लो टी यहाँ दो बार आया है, तो हमने एक ही बार लिखा है, ठीक है। तो रिपीटेड एलिमेंट यूज नहीं होता, सिंगल टाइम यूज होता है लेटर, ठीक है ना। तो ये इसको हम कहेंगे ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का क्या है, ये सेट फॉर्म में, बस ये ध्यान देना होता है इसमें ना, कि आपको रिपीटेड इस्तेमाल नहीं करना है, सेट में डुप्लीकेसी का कोई महत्व नहीं होता है। जैसे मान लो हम सेट ए में एक एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3 3 4 7 2, अब मैं कोई पूछे कि इसमें कुल कितने एलिमेंट्स है, तो ऐसे अगर तुम ध्यान ना दो तो 1 2 3 4 5 6 7, तुम तुरंत कह दोगे सेट के अंदर 7 एलिमेंट है। जबकि देखा जाए तो देखो तीन यहाँ दो बार आया, एक तीन को हटाओ, दो बार आया तो इसको भी हटा दो, ठीक है। तो एक वन है, वन है, थ्री है, फोर है, सेवन है, टू है, थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से लिखते हैं, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, सेवन है, ये हमारा प्रॉपर सेट हुआ, मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड हुआ, ठीक है ना, क्योंकि डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए हमारे सेट के कंस्ट्रक्शन में, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड क्यू, ठीक है। देखो बेटा क्यू से पहले, जब अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं, 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो तुम देखोगे ए ई आई ओ, ये जो चार वॉवेल हैं एक्चुअली में वो वॉवेल हैं जो क्यू से पहले आते हैं। तो क्यू से जितने भी पहले वॉवेल हैं उनका एक कलेक्शन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक चीज जोड़ दिया है प्रीसीड क्यू, क्यू से पहले, तो क्यू से पहले जितने भी वॉवेल है उसका कलेक्शन लिखना था रोस्टर फॉर्म में, तो वो क्या है ए ई आई ओ, बीच में कॉमा जरूर लगाएंगे। तो देखो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है, ये जो जितने भी क्वेश्चन दिख रहा है आपको बेटा सब के सब रोस्टर फॉर्म में, उसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, कोई सेट ये है, इस सेट को हमको बिल्डर फॉर्म में
चेंज करना है, तो मान लो ये सेट ए है, नेमिंग जरूर करिएगा 1 3 5 7 9 11 13। अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं पहले टेक्निक सीख लो। पहले तो कुछ सेट एलिमेंट्स को देखो 1 3 5 7 9 11 13, कहीं ना कहीं ये तुमको एबीसी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म एक है, कॉमन डिफरेंस दो है, देखो ना सबका कॉमन डिफरेंस देखो T2 - T1, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2 है, यहाँ भी 2 है। तो सबसे पहले क्या करो बेटा, इसको ना जरा इसका जनरल टर्म निकालो, मैंने दिए गए सेट एलिमेंट का जनरल टर्म निकालो, चाहो तो रफ कर लो चाहे डायरेक्ट करो। जैसे देखो पहला देखो कुल कितने टर्म है, ये देख लो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ कुल मिलाकर के 7 टर्म है, ठीक है ना। पदों की संख्या 7 है, यानी एन की वैल्यू जो है यहाँ 7 है। तो फिलहाल हम जनरल टर्म की हम बात करेंगे, जनरल टर्म ही निकालेंगे। तो क्या होता है, ए एन टर्म जो होता है Tn बराबर ए प्लस एन माइनस वन टी। ध्यान देना हम एन की वैल्यू 7 नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें जनरल टर्म पर निकालना, जनरल टर्म हमेशा एन के फॉर्म में होता है। तो क्या होगा, इसमें फर्स्ट टर्म 1 है, n माइनस 1 है, और कॉमन डिफरेंस तुम्हारा क्या 2 है, 3 - 1 - 2, 5 - 3 - 2, 7 - 5 - 2, और चलो सिंपलीफाई करो 1 + 2n - 2 अर्थात 2n - 1। चलो ठीक है, इसका ये मतलब हुआ सेट ए में हमारा एलिमेंट आएगा 2n - 1, ठीक है। और इस प्रकार होगा n जहां एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, n क्या होगा एक नेचुरल नंबर होगा, और कहां तो होगा n की जो वैल्यू होगी 7 या 7 से कम होगी, क्यों, क्योंकि देखो बेटा हमको n का मान जब 1 रखोगे तो 2 - 1 1 आएगा, n का मान जब 2 रखोगे 2 2 = 4 - 1 3 आ जाएगा, n का मान जब 3 रखोगे तो 2 3 = 6 6 - 1 5 आ जाएगा, n का मान जब 4 रखोगे 2 4 = 8 8 - 1 7 ये आ जाएगा, n का मान 5 रखोगे तो क्या होगा 2 5 = 10 - 1 9, n का मान 6 रखोगे 2 × 6 = 12 - 1 12 - 1 11 आ जाएगा, और n का मान जब 7 रखोगे 7 या 7 इक्वल मतलब 7 के बराबर रखोगे तो n की वैल्यू क्या होगी 2 7 = 14 1 13 आ गया ना, ये हो जाएगा। यहाँ देखो 2n - 1 तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ एंड कॉमा मतलब यहाँ एंड लगा दिया करो, एंड n लेस देन आर इक्वल टू 7, ये हमारा कौन सा फॉर्म है, दिए गए रोस्टर फॉर्म का ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर आपको n लिखने में एलर्जी है तो आप यहाँ x लिख दो 2x - 1, जहाँ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस आर इक्वल टू 7, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो लिखने का प्रोसीजर क्या होता है कि पहले आप सेट के एलिमेंट्स को जरा ध्यान से देखिए, क्या कोई पैटर्न बन रहा है, क्या कोई सीरीज बन रहा है, अगर सीरीज बन रहा है तो उसका जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए, जनरल फॉर्म मतलब एनएथ के फॉर्म में, ठीक है। अभी चूंकि आप पहली बार क्वेश्चंस लगा रहे हो तो आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसके साथ जुड़ोगे तो आपको एकदम आदत पड़ जाएगी। चलिए आते सेकंड क्वेश्चन पे, चलो सेकंड क्वेश्चन में मान लेते ए बी सेट बी है, सबका नाम बदल देते हैं, ए बी सी डी क्या है, सेट बी बराबर क्या दिया मान लो 2 4 6 8। देखो बेटा ये जरा है ना, ये डैश डैश देने का क्या मतलब, मतलब कि इनफाइनाइट टाइम्स है, यानी काउंटिंग नहीं करना है, ये इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। चलिए तो देखो पहले सर जनरल टर्म देखो, ये भी शायद एपी सीरीज है क्या, 2 4 6 है, तो पहले सर जनरल टर्म लिखते हैं, एन टर्म ए जहाँ 2 है, एन माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस भी इसका 2 है, देखो 2 + 2n - 2 यानी 2। एक्चुअली में जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो हम इसको कहते हैं कि भाई इसका जनरल टर्म 2n है। इस सेट के अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे, 2n होंगे जहां n क्या है नेचुरल नंबर है, अब कोई कंडीशन नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता है कि एलिमेंट कहां तक जाएगा। देखो अब n का मान 1 रखोगे तो 2 आएगा, n का मान 2 रखोगे तो 4 होगा, n का मान 3 रखोगे तो 6 आएगा, n का मान 4 रखोगे तो 8 आएगा, n का मान 5 रखोगे तो 10 आएगा, एंड सो ऑन, यही हमारा क्या एसेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है ना। चलिए अब जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ये सेकंड था बेटा, थर्ड पे देख लो क्या है 3 6 9 12 15। चलो इसको बहुत आसान है, बस बस प्रैक्टिस करो। थर्ड क्वेश्चन में लेट सिर्फ कुछ सी मानते हैं, क्या दिया हुआ है 3 6 9 12 15। बेटा देखो इसमें कुल कितने एलिमेंट है, काउंट करो 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, जरा इसका जनरल टर्म लिखने की कोशिश करो। देखो क्या ए बी सीरीज है क्या, 3 3 6 3 3 3 का डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म 3 है, पहले इसका जनरल टर्म निकाल लो 3 + n - 1 × d, d मतलब यहाँ 3 है, 3 + 3n - 3 अर्थात सिर्फ 3n आएगा। तो हम कह सकते हैं सेट सी में 3n आएंगे, इस प्रकार आएंगे जहां n नेचुरल नंबर होगा, और साथ ही साथ n की जो वैल्यू कहां तक जाएगी, 1 2 3 4 5 5 या 5 से कम, जरा चेक करो
जब n का मान 1 रखोगे 3 into 1 3 आएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे नेचुरल नंबर 1 2 3 तो 6 आएगा, n की वैल्यू 3 रखोगे तो 9 आएगा, n की वैल्यू 4 रखोगे तो 12 आएगा, n की वैल्यू 5 रखोगे तो 15। अब 5 से ज्यादा तुम बढ़ नहीं सकते हो क्योंकि कंडीशन लगा दिया मैंने, एंड लगा दिया कि n नेचुरल नंबर होने के साथ साथ क्या हो, n की वैल्यू 5 या 5 से कम हो, यानी यही तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया क्वेश्चन का। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं मैं फिर याद दिला दूं। सबसे पहले आप दिए गए रोस्टर फॉर्म का जो एलिमेंट्स है उसका एनर टर्म में लिखने की कोशिश करिए, उसका एनर टर्म। तो मैंने एनर टर्म लिख दिया, उसके बाद कंडीशन लगा दिया। बेटा ये सब बिगनिंग है, मतलब ये भी समझ रहे हो ना, अभी अब बिगनिंग कर रहे हैं, क्योंकि सेट इससे पहले आप कभी पढ़े नहीं हो तो थोड़ा सा आराम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बीच में दो चैप्टर मैंने हटाया छोड़ दिया। जैसे आप बुक परचेस जब कर लोगे ना, देखो पहले बुक खरीदो आप कोई भी राइटर का, तो आप देखोगे जो एक दो चैप्टर कुछ ऐसे जो 9th-10th में पढ़ चुके हो, जैसे पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स वो भी पढ़ लिया है, और एक टाइम वाले जो सवाल होते हैं वर्क एंड टाइम वो भी आप क्लास 10th में पढ़ा, तो उन सबको पढ़ लीजिएगा। फिर मेंसुरेशन वो भी पढ़ लीजिएगा, ये सब हम पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि आपको बहुत पढ़ना है। तो जो जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसको अपने मन से पढ़ सकते हो, ठीक है। जो नहीं पढ़े उसको हम पढ़ा रहे हैं। चलिए ए बी सी चलो इसको भी मान लेते हैं। लेट डी इज इक्वल टू सेट फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट है, रिलेशन है, फंक्शन है, यही सब पढ़ाएंगे अब। तो बेटा ये शायद हो गया था क्या, नहीं हुआ था नहीं, चलो देखते हैं। 2, 4, 8, 16, 32, 64 पर ये सोचो ये किसका फॉर्मेट है, देखो ध्यान से। तो बेटा ये ना ये तुम्हारा एपी सीरीज नहीं है, 2, 4, 2 का डिफरेंस है, यहाँ तो बढ़ता जा रहा है। देखो ये कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, ये जरा इसको देखने लिखने का ऐसे प्रयास करो। 2 पे पावर 1 है, ये 2 पे पावर 2 है, ये 2 पे पावर 3 है, ये 2 पे पावर 4 है, ये 2 पे पावर 5 है, ये 2 पे पावर 6 है, कुछ इस तरह का है। इसका ये मतलब हुआ कि इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 2 पे पावर n लिख देंगे, जहां n एक नेचुरल नंबर होगा और n का मान कहां तक भेजेंगे, 6 तक, एंड n की जो वैल्यू होगी ना 6 हो या 6 से कम हो, यहां तक देखो शायद यही बनेगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। थोड़ी सी जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तुरंत देख के ही पता चल जाएगा इस फॉर्मेट में बन रहा है। चेक कर लो, n की वैल्यू 1 रखने पे 2 पे पावर 1 2, n की वैल्यू 2 रखने पे 2 का पावर 2 4, n की वैल्यू 3 रखने पे 2 का पावर 3 8, n की वैल्यू 4 रखने पे 2 पावर 4 16, n की वैल्यू 5 रखने पे 2 पावर 5 15 32, और n की वैल्यू 6 रखोगे तो 2 पावर 6 क्या आता है 64 आता है ना, ठीक है। और 6 से ज्यादा हम बढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि हमने कंडीशन लगा दिया है, अगर ये कंडीशन नहीं लगा होगा तो इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा और एक मार्क सेट बिल्डर फॉर्म गलत हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अब आओ फिफ्थ देखते हैं। ये बेटा ये 4 वाला क्वेश्चन था, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, इतना तो आप समझदार हो ही। अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैथ्स चूज किया इसका मतलब आप अन्य बच्चों की तुलना में आपका मैथ्स स्ट्रांग हुआ, क्योंकि बहुत ही डेयरिंग है। अगर आप मैथ्स लेके पढ़ो इसका मतलब पढ़ने बहुत अच्छे होंगे, तभी आप मैथ्स लेने की जिद है आपकी जो भी हो, क्योंकि मैथ्स अपने आप एक स्टैंडर्ड सब्जेक्ट है ऑप्शनल में। अगर आपने हिंदी को छोड़ के मैथ्स लिया है तो आपके अंदर कुछ है तभी आप मैथ्स लिए हो, नहीं तो मैथ्स दुर्भाग्य। चलिए मान लेते सेट ई है 1, 4, 9, 16 अप टू 100। पहले देखो यह देखो टाइप ये कौन सा मतलब किस सीक्वेंस में है, ये 1 के बाद 4 है। पहले देखो शायद इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्या, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, कुछ यही तो फॉर्मेट लग रहा है। ये क्या है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का पावर है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, एंड लास्ट में 10 का स्क्वायर होगा, यानी बीच में जो छूटा होगा जैसे क्या होगा ये होगा 5 का स्क्वायर, अगला 6 का स्क्वायर, नेक्स्ट 7 का स्क्वायर, नेक्स्ट 8 का स्क्वायर, नेक्स्ट 9 का स्क्वायर, नेक्स्ट 10 का स्क्वायर। इसका ये मतलब है कि इसका जब हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्या, एन के पावर टू सच दैट, जहां एन एक नेचुरल नंबर है और एन की जो वैल्यू होगी वो 10 या 10 से कम होगी। चलो मैच कराते हैं गलत है कि सही है। जब n का मान 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर यानी 1 आएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, n की वैल्यू 3 रखोगे 3 का स्क्वायर 9 आएगा, n की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा, n की वैल्यू 5 रखोगे तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा, एंड सो ऑन। और n की वैल्यू जब 10 रखोगे तो 10 का स्क्वायर 100, सही तो है हमारा। यही हमारा क्या है दिए गए सेट का कौन सा फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इस तरह से बेटा आप लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में क्या डिफरेंसेज है या कैसे हम कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे को आप समझ गए होंगे। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन बच्चों।
ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। जरा देखो बुक में भी ऐसे रिप्रेजेंट किया है। मान लेते हैं कि इस सेट ई में वो एक्स आएगा, इस प्रकार होगा, जहां एक्स की वैल्यू क्या होगी, एन स्क्वायर होगी, और साथ ही साथ जो एन होगा वो नेचुरल नंबर होगा और एन लेस देन आर इक्वल टू 10 होगा। हमने किया क्या, हमने इस एन स्क्वायर के जगह पे एक्स रख दिया, मतलब एन स्क्वायर को क्या सपोज कर दिया, एक्स। तो हम कहेंगे सेट ई में वो एक्स आएगा जो एक्स एन स्क्वायर के बराबर होगा, और कामा लगाएंगे, और एन जो है वह नेचुरल नंबर होगा और एन की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 10। ये भी इस तरह से लिखने का प्रयास कर सकते हो, ठीक ना, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जो मैंने बताया था वो भी सही है, और इस तरह से लिखोगे तो ये भी सही है। बेसिकली होता क्या है ना कि हम यहाँ पे सच दैट का इस्तेमाल किए हैं, मतलब ये भी एक लिखने का तरीका होता है। कुछ मैथमेटिशियन ऐसे लिखते हैं, कुछ मैथमेटिशियन ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो इस पे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप दोनों नोटेशन जान सकते हो, ठीक है। तो बच्चों अब हम इसको पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वेरिएबल एक्स के फॉर्म में, तो उसको भी समझ लो। मतलब वो भी सही है, लेकिन ऐसे लिखो यक्स, मतलब उन यक्स का कलेक्शन होगा जिसमें जो एक्स होगा 2n-1, बस यही जोड़ना है एक्स, और एक्स बराबर लिख देना 2n-1। 2n-1 कैसे है मैंने बताया था, जनरल फॉर्म होता है, और जहाँ एन क्या है, कॉमा लगा, जन क्या है, नेचुरल नंबर है, और साथ साथ एन की वैल्यू होगी लेस आर इक्वल टू 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे लिखोगे। तो क्या चेंज किया मैंने बेटा, हमने बस ये चेंज किया, बजाय यहाँ पे हमने 2n-1 डायरेक्ट लिखने के लिए हमने यहाँ पे x लिख दिया, कि सच दैट जहाँ x की वैल्यू क्या होगी 2n-1, और जिसमें n क्या है, नेचुरल नंबर है, और n लेस आर इक्वल टू 7 है। ऐसे ही जरा सेकंड क्वेश्चन में सेट b की हम बात करेंगे, इसके लिए 2, 4, 6, 8 है। इसका मतलब है कि x होगा, इट इज द कलेक्शन ऑफ दो x, जहाँ पे x क्या है बेटा 2n है, और जहाँ n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, और इनफाइनाइट सेट बस नहीं रहेंगे, जहाँ एन क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तुम चेक कर सकते हो, एन का मान एक रखोगे 2, एन का मान 2 रखोगे 4, एन का मान 3 रखोगे तो 6 एंड सो ऑन, ठीक है। क्योंकि ये डैश 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 है, इसका इनफाइनाइट सेट है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। बस अब यहाँ पे बेटा क्या किया हमने, अब इस में 2n लिखा था, यहाँ x लगा दिया, और यहाँ पे सच दैट है, जहाँ x किस तरह से डिफाइन है, जहाँ x बराबर 2n है, और n किसका मेंबर है, इट इज द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसे लिखने का प्रयास करिए। मतलब मैंने दोनों समझा दिया, पहले डायरेक्ट समझाया, उसके बाद मैं इसको एक्स के रूप में लिखना समझा रहा हूँ, क्योंकि बुक में ना इसी नोटेशन को फॉलो किया है, तो आप भी इसी नोटेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तीसरा देखो, मान लो सेट सी है 3, 6, 9, 12, 15, यानी ये उन एक्स का कलेक्शन होगा जिसका जो एक्स का जो जनरल फॉर्म होगा वो 2n+1 होगा। तुम चेक कर सकते हो, जहाँ एन की जगह पे एक रखोगे तो 3 आएगा, एन की जगह पे 2 रखोगे तो 9, 9, 3, 9, 6, क्या लिखा था मैंने, ड्राइवर चेक कर लेते हैं, इसका जनरल फॉर्म 3, 6, 9, 12, 15 दिख रहा है ना, 3+n-1 × कॉमन डिफरेंस तुम्हारा क्या है, शायद 3n ही रहेगा ना, सॉरी 3n रहेगा, चेक कर लो, 3n ही रहेगा, 3n रहेगा, नहीं n का मान एक रखोगे 3n+2 = 6, हाँ ठीक है, और जहां n की वैल्यू क्या होगी, n नेचुरल नंबर का सदस्य है, और साथ ही साथ n बराबर या n की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 5 या 5 से कम, ये हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो, इससे पहले बस मैंने 3n लिखा था, फिर कॉमा लगाया था, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखा था, एंड n लेस आर इक्वल टू 15, 5 लिखा था, लेकिन हम x के जब फॉर्म में लिखेंगे, यानी c के अंदर वो x का कलेक्शन होगा जहां x की वैल्यू होगी 3n, बट n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, और साथ ही n की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए, यानी n का मान 1 से लेकर 5 तक वेरी करेगा, उस केस में आपके x मिलेंगे क्या मिलेंगे, 3, 6, 9, 12, 15 तक आ जाएंगे। ऐसी बेटा क्वेश्चन नंबर 4, मान लो इसे डी है, डी में उन एक्स का कलेक्शन होगा जिसके लिए 2, 4, 6, 8 है ना, 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का पावर, जहां एक्स बराबर होगा 2 का पावर n होगा, जहां n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और साथ ही साथ n की जो वैल्यू होगी कहां से कहां तक लाई करेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 या 6 से कम, चेक कर लो, n का मान 1 रखोगे 2 आएगा, n का मान 2 रखोगे 4 आएगा, n का मान 3 रखोगे 8 आएगा, ऐसे हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। और इसको तो मैंने बता ही दिया था, फिफ्थ वाले का बता दिया था, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या बताया था, मान लो सेट ई है, सेट ई में उन x का कलेक्शन होगा जहां पे x इक्वल टू होगा, इसके इक्वल होगा बताइए 1, 4, 9, क्या है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी n का
वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो पहले वन टू थ्री का जनरल फॉर्म क्या होता है, वन टू थ्री का जनरल फॉर्म एन होता है, ये एन का स्क्वायर होता है, ठीक। जहाँ बेटा एन क्या है, नेचुरल नंबर है, और साथ ही साथ एन की वैल्यू टेन या टेन से कम है, एन की वैल्यू टेन या टेन से कम है, कर्ली ब्रेस क्लोज कर देना, ठीक है। तो चेक कर लो गलत है कि सही है। एन का मान एक रखोगे जो 10 से कम है तो 1 का स्क्वायर 1, एन का मान 2 रखोगे जो 10 से कम है 2 का स्क्वायर 4, ये सब आ जाएगा। तो बेटा हम लोग ना बराबर x के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या सेट बिल्डअप फॉर्म है। बच्चों अब हम लोग काइंड्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो यहाँ चार तरह के सेट के बारे में बताया गया है, पहला है एम्प्टी सेट, दूसरा है सिंगलटन सेट, थर्ड इज फाइनाइट सेट, फोर्थ इनफाइनाइट सेट। बेटा एम्प्टी सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, मतलब एक भी एलिमेंट ना हो, उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। जैसे मान लो हम सेट ए की बात कर रहे हैं, इन सेट ए में एक एलिमेंट एक्स है, जो एक्स कुछ इस तरह से है, जो एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, और साथ ही साथ जो एक्स का जो स्क्वायर होगा वो निगेटिव होगा। अब तुम ही बताओ क्या कभी नेचुरल नंबर का स्क्वायर क्या निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता ना। यानी सेट ए में ये तो हमने किस फॉर्म में लिखा, ये तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, लेकिन जब इसको रजिस्टर फॉर्म में तुम देखते हो तो तुम देखते हो कि इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। एक भी एलिमेंट नहीं आने का मतलब इसको बोलते हैं हम लोग नल सेट। क्या बोलते हैं इसको, नल सेट, या इसी का दूसरा नाम होता है एम्प्टी सेट। इसको एम्प्टी सेट के नाम से हम लोग जानते हैं, एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट या नल सेट वह सेट होता है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं। देखो नहीं, एलिमेंट नहीं होने का मतलब क्या है कि इस कंडीशन पर उसका एलिमेंट नहीं है। अगर यही मैं कंडीशन हटा देता तो ये तो इनफाइनाइट सेट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा एम्प्टी सेट वह सेट होता है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है, और एम्प्टी सेट का सेकंड नेम है नल सेट, और इसे फाइ से डिनोट करते हैं। एम्प्टी सेट का एक अपना एक नोटेशन है, दैट इज सेट टू बी फाइ, इसी को फाइ कहा गया है, ठीक है। ये हमने एम्प्टी सेट के बारे में बता दिया। सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट वह सेट होता है जिसके पास सिर्फ एक एलिमेंट होता है, सिर्फ एक एलिमेंट होता है, और इस सेट की जो कार्डिनलिटी होती है, कार्डिनल नंबर अगर बात करते हैं, अभी कार्डिनल नंबर पढ़ाएंगे, इसकी वैल्यू एक होती है, ठीक है। मतलब सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं अगर उसकी संख्या एक होगी तो उसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट वह सेट होता है जिसके पास सिर्फ एक एलिमेंट होता है, जैसे सेट ए हो, चाहे कोई नंबर हो, कुछ भी हो, ठीक है, एक हो, सिंगल नंबर हो, ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट हो उसके पास, सिंगलटन सेट हो गया। फाइनाइट सेट देखो, नाम से स्पष्ट है, फाइनाइट सेट वो होता है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, यानी जिसका जो कार्डिनल का नंबर है, कार्डिनलिटी जो होती है वो फाइनाइट होती है, उसे हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। हम कह सकते हैं अ सेट कंटेन्स अ लिमिटेड नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब जिसके पास लिमिटेड नंबर, जैसे हमारे सेट ए के अंदर हम रखते हैं 2, 4, 7, 10, अब इसको तुम काउंट कर सकते हो, ये फाइनाइट सेट है। कोई सेट बी है इसमें -1, 0, 3, 2, 1, 8, देखो -1, 0, 2 आगे लगा देते हैं, 3 को बाद लगा देते हैं, ठीक है, 8 मतलब ऐसे लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब फाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। तो जिसको हम काउंट कर सकें, जिसके अंदर एलिमेंट फिक्स हो, उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, नाम से स्पष्ट है कि जो कभी खत्म ही ना हो, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है, इस सब के सब बेटा क्या इनफाइनाइट सेट होते हैं। इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिसमें एलिमेंट्स की संख्या क्या हो, हम काउंट ही ना कर पाए, ठीक है। यानी अ सेट दैट कंटेन्स एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट, यानी जो भी सेट फाइनाइट नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इनफाइनाइट सेट। तो अभी तुमने आपने एग्जांपल देखा है कि कुछ ऐसे सेट जो बहुत इनफाइनाइट सेट है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर, ये सब के सब क्या इनफाइनाइट सेट है, ठीक है बेटा। तो इससे पहले जो हम लोगों ने एग्जांपल दिया, तो उस एग्जांपल में आपने देखा होगा कि जहां पे n लेस देन आर इक्वल टू लगाया, समझ जाओ कि वो क्या फाइनाइट सेट है, ठीक है। बच्चों अगला जो डेफिनेशन है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, या एक और नाम है ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। बेटा जितने भी फाइनाइट सेट होते हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं, यानी उनके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। तो जो उनके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो संख्या होती है उसी को हम लोग कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट के नाम से जानेंगे, या ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन देख लो, कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट
डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए, अलग अलग एलिमेंट की बात करिए। द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय एन ऑफ ए या ऑर्डर ऑफ ए। बेसिकली हम इस नोटेशन का ज्यादा यूज करेंगे। जैसे मान लो एक सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, बताओ इसका कार्डिनल नंबर कितना है, जरा काउंट करो 1 2 3 4 5, क्योंकि जितने भी एलिमेंट हैं पांचों डिफरेंट है, इस वजह से इसका कार्डिनल नंबर क्या है, 5 है। ठीक है, ऐसे ही मान लो एक कोई भी लेटर ले रहे हैं, जैसे मान लो स्कूल है, एक लेटर स्कूल है, इसका अगर हम सेट बनाना चाहें इसमें एस है सी है एच है ओ है और एल है, तुम देखो बेटा वो दो बार आया है, हम एक बार यूज कर रहे हैं, तो इसका जो कार्डिनल नंबर होगा कितना होगा, अगर ऐसे काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 होगा, लेकिन हम देख रहे हैं सेट में एलिमेंट्स का रिपीटेशन अलाउ नहीं होता, हम एक ही बार लिखेंगे तो कुल कितने होंगे 1 2 3 4 5, ये 5 हो जाएगा इसका कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो ऐसे भी किसी भी एलिमेंट किसी भी सेट, अगर वो कोई भी सेट अगर फाइनाइट है तो उसका हम कार्डिनल नंबर निकाल सकते हैं। कुछ चीज जानो, सिंगलटन सेट का जो कार्डिनल नंबर होता है 1 होता है, क्योंकि उसके पास एक एलिमेंट होता है। इम्पटी सेट के बाद कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए उसका कार्डिनल नंबर क्या होता है, 0 होता है। और इनफाइनाइट सेट अनकाउंटेबल होता है, उसको हम काउंट ही नहीं कर पाते, इसलिए उसका कार्डिनल नंबर नॉट डिफाइन होता है। बेटा इस तरह से आज हम लोगों ने काफी टॉपिक कवर किया है, अब आते हैं कुछ और टॉपिक।